morning. Welcome back to our another video. Today you will study the present perfect continuous tense. Okay, present perfect continuous tense. In this tense, we talk of an action in this tense. In this tense, we talk of an action. We talk of an action that started at some point of time in past, in the past, okay, but it is still continuing. But it is still continuing. ओके इस टेंस में बच्चों हम ऐसे एक्शन को बात बतलाते हैं जिसमें पास्ट टाइम में हमारा एक्शन शुरू हो जाता है और पास्ट टाइम में शुरू होने के बाद वो प्रेजेंट में कंटिन्यू रहता है. ओके तो हिंदी सेंटेंस में जो होगा जो हम क्या पहचान करेंगे स्कूल में करो वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द पाया जाता है. तथा कार्य के जारी रहने का समय भी दिया जाता है. कार्य के जारी रहने का समय भी दिया रहता है. जैसे वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है तो पास्ट टाइम में, ठीक है ना, 2 घंटे पहले वह क्रिकेट खेलना शुरू किया और अब अभी भी वह क्रिकेट खेल रहा है. ठीक, तो इसको बच्चों पास करके नोट कर लो. अब मैं बताऊंगा इंग्लिश सेंटेंस रहेगा उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है. ओके बेटा चलो, तो इंग्लिश सेंटेंस का पहचान करने के लिए बच्चों आपको 2 बातों को देखना होगा. एक देखेंगे हैव बीन वर्ब, हैव बीन और हैव बीन. ओके हैव बीन जो होता है बच्चों ही सी इट, ही सी इट तथा सिंगुलर शब्द है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. हैव बीन जो होता है आई वी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट.
निर्भर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। बच्चों इस टेंस में सिंस फार यूज होता है, सिंस जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे सिंस फोर सिंस मंडे, सिंस यस्टरडे, सिंस अप्रैल, सिंस 2019। ओके, तो ये सब पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चों फार का प्रयोग क्यों होगा होता है, फार पीरियड आता है, पीरियड ऑफ टाइम। जैसे फार 10 मिनट्स, फार 2 आवर्स, फार 10 डेज। किया जाता है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सिंस और फार का प्रयोग बताया गया है। इसको नोट कर लीजिए पास करके, और उसके बाद आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बता दूंगा, उसके बाद टेंस चेंज हो जाएगा। बता दू चलो, तो सबसे पहले जो है अफर्मेटिव सेंटेंस की बात मैं करूंगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है बच्चों, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, उसके बाद बीन लगा देते हैं, हैज बीन हैव बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर सीज फार लगाते हैं, सीज या फार में भी सूटेबल हो, फिर अदर वर्ड्स को लेते हैं। ओके, तो एक एग्जांपल देखेंगे हो जाएगा। करण हैज बीन, करण हैज बीन प्रैक्टिसिंग practicing music for 5 hours. Okay, इसको नोट कर लें। फिर नेगेटिव सेंटेंस बच्चों, इसमें क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा बच्चों, फिर है या है, फिर नाम लगा देते हैं, फिर बी लगाया जाता है बच्चों, फिर वर्ब का आईएनजी
फॉर्म बना देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फिनिश या पार जो भी उसके बाद हो, फिर अदर वर्ब। एक एग्जांपल देख लेते हैं ये चीज़ में, ओके। वी हैव नॉट बीन, वी हैव नॉट बीन लिविंग, वी हैव नॉट बीन लिविंग हियर ओके सिंस 2015 कर लो। अब है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव में यदि क्या होने वाला होगा, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव के ऊपर लगाएंगे, हैज या है, फिर सब्जेक्ट, फिर जाएंगे बीन, वर्ब का एंटी फॉर्म लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फार, अदर वर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हैव यू बीन फीलिंग अनवेल, हैव यू बीन ईटिंग, Have you been eating a lot of ice cream? A lot of ice cream lately. तो बच्चों अब जो है आपको मैं होमवर्क दे देता हूं, एक्सरसाइज सी, एक्सरसाइज ई टू बी डन इन कॉपी, ओके। Thank you.